सीट लेके आएंगे, तो एक बार बताइए 10-20 सीट लेके आएंगे तो आपका क्या अनुमान लगता है वो किसका सपोर्ट करेंगे, यूपीए का या फिर एनडीए का? राजद का करेगा। वो राजद का करेगा। आपका ये सोच है कि अगर वो जीत जाते यहाँ से 10-20 सीट तो वो इसी को क्यों पसंद करते हैं? वो एक नेक इंसान है मेरी नजर में, नेक इंसान और बहुत निडर है, कुछ भी बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। अब एक अंकल हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल आपका नाम? अब्दुल बारी साहब। तो आप ये बताइए इस बार आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ युवाओं की पार्टी है, सिर्फ नौजवान लोग हैं, आपके उम्र के लोग नहीं है। आप लोग क्या चाह रहे हैं इस बार? हम लोग भी यही चाहते हैं कि इस बार जो है जी असदुद्दीन अवैसी जी को लाए। असदुद्दीन अवैसी को लाए, आखिर क्यों? क्योंकि अभी नौशाद साहब आपके यहाँ के विधायक है, नीतीश कुमार के वजह से हैं। बहुत को देख लिए यहाँ जी, कोई काम नहीं हुआ। आपको क्या लगता है अवैसी यहाँ पे कुछ काम कर पाएगी? काम कर पाएंगे? आप कैसे कह सकते हैं कि कर पाएगी, क्योंकि ना वो पक्ष में बैठेंगे ना विपक्ष में बैठेंगे, तो कैसे वो काम लेके आएगा? देखिए वो जो है मतलब कि जब 10-20 सीट लाएंगे तो इंशाल्लाह काम होगा। यानी 10-20 सीट लेके आएंगे, तो एक बार बताइए 10-20 सीट लेके आएंगे तो आपका क्या अनुमान लगता है वो किसका सपोर्ट करेंगे, यूपीए का या फिर एनडीए का, यानी कांग्रेस का, राजद का या फिर बीजेपी का? नहीं तो वो राजद का करेगा। आपका ये सोच है कि अगर वो जीत जाते हैं यहाँ से 10-20 सीट तो वो उसको सपोर्ट करेंगे। चाहे ये बताइए आपके यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट है उनसे, तो उनमें से आप किन को पसंद करते हैं? हम असद इकबाल को पसंद करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी और उसके असद इकबाल जी। यानी एक बार ये कौन सा कनेक्ट है कि आप असदुद्दीन ओवैसी के बाद असद इकबाल? तो मतलब तालीम याफ्ता है जी, कर्मठ है जी, नौजवान है जी, बोलबाल है उसके अंदर, इसीलिए हम लोग पसंद। क्या लगता है असद इकबाल साहब यहाँ के हालात को सुधार पाएंगे? बिल्कुल सुधार पाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्त, एक दोस्त है यहाँ पे हफीज साहब, उनसे बात करते हैं। तो हफीज जी आप बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? नाम शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन आप कहाँ से हैं सर? जी मैं यही करवामनी से। एक बात ये बताइए कि इस बार क्या चल रहा है, चुनावी सरगर्मियाँ चल रही है, तो ऐसे में किसका पल हवा चल रहा है अभी? हम तो देख रहे हैं कि चुनावी गर्मी तो चल रही है काफी, लेकिन असद इकबाल जो के उम्मीदवार है इसके असदुद्दीन ओवैसी के जी, और इनका चर्चा काफी हमको अभी दिखाई दे रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के वही उम्मीदवार नहीं है अभी, अभी ऐसा 10-10 उम्मीदवार है, ये बोलिए कि वो प्रत्याशी का दावेदारी पेश की है, हो सकता है उसको टिकट मिले, हो सकता है, अभी नहीं कह पाएंगे कि मिलेगा ही। तो आप असद इकबाल को पसंद करते हैं? जी बिल्कुल पसंद करते हैं। क्या उनको वोट होगा अगर वो विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे तो? मुझे तो पूरी उम्मीद है। लगता है आपको ऐसा? जी बिल्कुल। वोट मिलेगा उसको? बिल्कुल। एक बात ये बताइए कि आप अवैसी को क्यों पसंद करते हैं? वो एक नेक इंसान है मेरी नजर में, नेक इंसान और बहुत निडर है, कुछ भी बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, जबरदस्त बोलते हैं, और मुझे लगता है कि वो काम करेंगे, वो झूठा दावा करने वाले में से नहीं है। झूठा दावा करने वाले बहुत सारे लोग झूठा दावा करते रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये वो नहीं है जी। और मैं मुशाहदा कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि लोग उसको पसंद करते हैं। अच्छा अभी आप ये बताइए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ काम? मैंने पढ़ाई मुकम्मल की है, एमए तक पास किया है। एमए पास किया है जी। उसके बाद मैं प्राइवेट टीचिंग कर रहा था जी लॉकडाउन से पहले, अभी फिलहाल। अभी आप बेरोजगार घर में बैठे हैं, कहने का मतलब ये हुआ। तो आप यहीं पे रह के प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते थे? जी जी जी। तो ये बात बताइए क्या लगता है यहाँ पे विकास नहीं हुआ? जी बिल्कुल, हमको तो नजर नहीं आ रहा कि नौशाद साहब नीतीश कुमार के चहेते हैं, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है साहब। सिर्फ चहेते हो जाने से नहीं होता है, काम देखना पड़ता है, लेकिन अब तक बताइए कहाँ, यहाँ कुछ भी काम नजर नहीं आ रहा। अच्छा अभी साहब एक बात का जवाब दीजिए हमको कि आप कह रहे हैं कि ओवैसी को पसंद करते हैं और आप एक मुसलमान हैं, कहीं ना कहीं आप मुसलमान होने की वजह से उसको पसंद करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो मुस्लिम की पार्टी है सिर्फ। ऐसी कोई बात नहीं है मुसलमान, हम जात पात कुछ भी नहीं देखते हैं, हम देखते हैं नेक इंसान है कि नहीं, उसके अंदर काम करने की क्षमता है कि नहीं, सलाहियत है कि नहीं, और मैं देख रहा हूँ उसके अंदर काफी भरपूर ये सब क्षमता है। क्या लगता है यहाँ से अगर ओवैसी की पार्टी जीतेगी तो आप लोग के हालात सुधर पाएंगे? जी मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हालात सुधरेंगे, और ये दावा भी करते हैं और मुझे यकीन है कि अपने दावों पर सच्चा उतरेगा। लेकिन लोग कहते हैं कि ठाकुरगंज में MIM का पल्ला भारी नहीं है बल्कि बहुत ही हल्का है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, यहाँ पे मुशाहदा जो हो रहा है और जैसा पता चल रहा है उसके हिसाब से फैसला सुनाया जाता है, और मुझे लग रहा है कि नहीं सवाल और ये भी है कि आप बोले कि असद इकबाल के अलावा किसी और को टिकट देगा, क्या आप साथ में रहेंगे MIM के?
अगर इनके अलावा किसी दूसरे को भी दिया जाता है फिर भी मैं उनका साथ रहूंगा। यानी कि आप MIM के सिपाही हैं, उनके साथ रहेंगे। अगर अरशद इकबाल को टिकट मिले तो उनके बेहतर रहेगा, नहीं तो बहुत बेहतर रहेगा मेरे, नहीं तो किसी और के साथ। आप चलिए, एक दोस्त यहाँ पे है, आप बताइए साहब आपका नाम क्या हुआ? हाँ जी, तो आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम नईम अख्तर है। नईम अख्तर साहब, आप कहाँ से? हम यही गाँव बांसबाड़ी से। बांसबाड़ी से, यानी कि आप यहीं के हैं। कुछ लोग मिले जो बाहर के हैं लेकिन बांसबाड़ी से हैं आप। एक बात बताइए कि आप लोगों का मिजाज क्या बन रहा है इस बार, क्या है मिजाज? यही बन रहा है कि हम लोग को बदलना पड़ेगा। तो बदलने में जैसे कि अभी गोपाल अग्रवाल जी आ रहे हैं, उसका पार्टी कंफर्म नहीं कि किस पार्टी से आएंगे, और लोग भी आ रहे हैं, कांग्रेस भी आ रही है, तो ऐसे में ऑल इंडिया मंच इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM भी आ रही है, तो आप लोग किसको पसंद करें इस बार? हम लोग तो इस बार MIM को ही पसंद। MIM को पसंद क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं कि हम लोग सारे पार्टियों को देख चुके हैं लेकिन कोई हमारे लिए काम नहीं किया, हम लोगों के लिए नहीं काम किया जी। सिर्फ हर जगह धांधली का काम हो रहा है आज तक। क्यों, क्या लगता है कि घुसखोरी ज्यादा हो रही है? घुसखोरी ज्यादा हो रही है। क्यों? आपके यहाँ पे जो विधायक है नौशाद साहब, वो नीतीश कुमार जी की चहेते हैं, तो क्या लगता है यहाँ पे काम नहीं हुआ? काम हुआ है, थोड़ा बहुत तो काम हुआ है जी, लेकिन जो सरजमीन में काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। यानी सिर्फ पेपरों में काम हुआ, सरजमीन में काम नहीं हुआ, मतलब ये हो। तो आप ये बताइए कि आप अवेसी की पार्टी को MIM को ही क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि आप लोग, आपके जो भी एज के हैं, जो भी 50 प्लस के हैं, 50 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं, लोगों का कहना है कि MIM में वो लोग नहीं है, बल्कि वो लोग हमेशा कांग्रेस ही रहे हैं, तो आप लोग इस बार MIM को क्यों पसंद कर रहे हैं? MIM को इसलिए पसंद कर रहे हैं कि पहले से हम लोग कांग्रेस ही है जी, या तो फिर RJD को भी वोट दिए हैं, फिर नीतीश बाबू को भी दिए हैं, लेकिन सबको देख चुके हैं, इस वजह से बदलना चाहते हैं हम लोग। अच्छा जी, ये बताइए, कुछ दिन पहले लोकसभा इलेक्शन हुआ, एक साल पहले अतुल ईमान साहब आए थे, डॉक्टर जावेद साहब आए थे, महमूद अजहर साहब आए थे, तो उसमें आप किसको वोट किए थे? उसमें हमने जो है कांग्रेस को वोट किए थे। आप लोकसभा में कांग्रेस को वोट करते हैं, विधानसभा में आप MIM को वोट क्यों देना चाहते हैं? MIM को इसलिए देना चाहते हैं, उस टाइम तो एक तबादला होना था ना जी, कि BJP को हटाना है और कांग्रेस को सत्ता में लाना है। यानी आप लोगों का सोच था कि यहाँ पे यानी प्रधानमंत्री बदलने का सोच था, इसलिए आप लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। तो इस तरह से अभी तो मुख्यमंत्री भी बदलने का बात चल रहा है, नीतीश कुमार को बदल नहीं पाएगा आपका MIM नहीं बदल पाएगा तो कुछ तो करेगा। लगता है कि आपको कि जब वो सत्ता में नहीं बैठेगा तो कुछ कर पाएगा लगता है ऐसा? लगता है। चलिए, तो एक बार बताइए कि इस बार आप लोग MIM को ही वोट करेंगे? जी जी, आपके यहाँ के लोग जी, गांव के लोग, पूरा जिला। लगता है कि चारों सीट निकल जाएगा इस बार? चार सीट नहीं, पांच सीट निकलेगा यहाँ से। पांच सीट यानी कि अमोर को लेके आप बात कर रहे हैं? नहीं, छह सीट है ना हमारा जिला। नहीं, हमारे यहाँ पे चार सीट है, दो सीट अमोर, पूर्णिया में अमोर बेसी है। हाँ, उधर का लेकर के पांच सीट आ रहा है, यानी छह सीट पूरा पूरी आप लोग जीतने का दावा कर रहे हैं, MIM वाले जीत जाएगा। जी जी। तो अब यानी कि लगता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे MIM का परचम लहराएगा आप लोगों का कहना है। जी जी। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अभी हम लोग ठाकुर विधानसभा के बांसबाड़ी चौक में है, यहाँ पे लोगों का मिजाज बदलाव का है, लोग जदयू से आप दूर हट रहे हैं, कांग्रेस से दूर हट रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ MIM के लिए बात कर रहे हैं। MIM के नौजवानों के साथ हम लोग खड़े थे, यहाँ के बुजुर्गों के साथ खड़े थे, लोग MIM को पसंद कर रहे हैं, लोग अरशद इकबाल को पसंद कर रहे हैं। अगर अरशद इकबाल साहब नहीं हुए, कोई दूसरा भी अगर फेस होगा, तो लोग MIM को जिदा करके असेंबली भेजने का काम करेंगे, लोग चाह रहे हैं। मैं आपका दोस्त रियाज राही, आपका अपना चले अपना गाँव से, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।